हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी वी फैशन। आज के इस वीडियो में हम मोहरी डिजाइन बनाएंगे और मोहरी डिजाइन के बाद हम मोहरी पर सिलाई किस तरीके से लगाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। मोहरी पर सिलाई लगाने का सही तरीका जिससे मोहरी में पीछे की साइड झोल नहीं आता है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कट वर्क में ये डिजाइन कट करके रख लिया है। पहले नीचे की तरफ इसमें फ्यूजिंग पेपर चिपका लिया, ऊपर से जो हमारा फैब्रिक है वो चिपका के रखा हुआ है इस पर। ये हमारी सलवार की मोहरी है, पटियाला सलवार में हम ये डिजाइन बना रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे हमारी कली जॉइंट है और इसको हम उल्टी तरफ से रखेंगे। तो यहाँ से हम मोहरी को उल्टी साइड से रख रहे हैं अभी, और इस तरीके से फोल्ड करके पहले इसमें बीच में कट लगा लेंगे एक। तो यहाँ से इस तरीके से कट लगा लेना है। अब इसके ऊपर हम इस डिजाइन को रखेंगे जो हमने कट करके रखा हुआ है। अब जो ये डिजाइन है इसका भी हम बीच देख लेंगे कहाँ पे इसका बीच आ रहा है। तो ये यहाँ पे इसका बीच है, तो जो हमने कट लगाया है इसलिए लगाया है, ये जो हमारी कटिंग वाला ये पार्ट है इसको बिल्कुल बीच में रखना है हमें। इस तरीके से यहाँ पे रख के अब इसकी सिलाई लगा लेंगे नीचे की साइड से। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। तो जिस तरीके से यहाँ पे हमने कट वर्क बनाया हुआ है उसी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और जब ये डिजाइन कट किया तो मैंने मोहरी की चौड़ाई रखी यहाँ पे 3.5 इंच। आप अपने हिसाब से ले सकते हो 3 इंच 4 इंच, जो भी आपको लेना हो। और इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। और ये मोहरी डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी से बन जाता है। जितना टाइम आपको अपने नॉर्मल मोहरी बनाने में लगता है उससे आधा टाइम में ही बन जाता है। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ से पूरे पे पहले इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए पहले इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। और इस डिजाइन को आप अपनी किसी भी पैंट प्लाजो या अपनी नॉर्मल सलवार या फिर अपनी जो आजकल अफगानी सलवार चली हुई है उन पर भी लगा सकते हो। उनमें लग के भी काफ़ी सुंदर लगेगी ये डिजाइन। और आप अपने बाजू पर भी लगा सकते हो स्लीव्स की मोहरी पर, उस पर भी लग के काफ़ी सुंदर लगेगी। तो इस तरीके से पहले इसकी सिलाई को कम्प्लीट कर लेते हैं। और जो मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ जो कपड़ा लिया हुआ है ये हमारा सूट का फैब्रिक है, तो मैंने उसमें से ले लिया। अगर आपके पास प्लेन कपड़ा है, सूट का फैब्रिक इस तरीके से नहीं है, तो प्लेन फैब्रिक में भी आप बना सकते हो, उसमें भी काफ़ी सुंदर लगेगा बन के। बीच में सिलाई लगा सकते हो उसमें डिजाइन से। और अगर सिलाई लगाना नहीं चाहते हो तो सिंपल भी रख सकते हो, सिंपल भी बन के बहुत ही सुंदर लगेगा। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर सिलाई को कम्प्लीट कर लिया। अब इसके बीच से कपड़ों को कट कर लेंगे। चलिए पहले इन कपड़ों को कट कर लेते हैं बीच से। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कपड़ा बचाते हुए हम कपड़े को कट कर लेंगे। यहाँ पे हम बिल्कुल पूरा कपड़ा कट नहीं करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से कुछ कपड़ा बचाते हुए कट कर लेंगे। यहाँ पे ये कपड़ा कट करने के बाद आप इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे जहाँ पे भी हमारी कटिंग हो रखी है। इन कट से हमारी जो डिजाइन है वो फिनिशिंग के साथ बाहर निकल के आएगी और सीधा होने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। अब इसको सीधा कर लेंगे। तो इस तरीके से इसको सीधा कर लेना। बड़ी बड़ी डिजाइन है तो ऐसे ही अंगूठे की हेल्प से ही ऐसे सीधे हो जाएंगे। और इन्हें एक बार और अच्छे से निकाल लेंगे थोड़ा इस तरीके से और टाइट लेके, जिससे कि जो हमारा डिजाइन है पूरी तरह बाहर निकल जाए इस तरीके से। तरीके से पूरे कपड़े को इस तरीके से बाहर निकाल लेना है सभी डिजाइंस में। अब इसके ऊपर लगानी है हमें एक सिलाई। तो यहाँ ये देखिए, कितने अच्छे फिनिशिंग के साथ हमारे सारे डिजाइन बाहर निकल के आए हैं। अब यहाँ से सिलाई लगा लेंगे किनारे से बिल्कुल। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमें सिलाई लगानी है आराम आराम से, जिससे कि अगर जितनी भी आप फिनिशिंग रखोगे अपनी सिलाई में उतनी ही आपकी डिजाइन ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से आराम आराम से फिनिशिंग के साथ ही सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए, इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लिया है हमने धागे को कट करके। अब इसमें हमें एक लेस अटैच करनी है, समोसा लेस लगानी है इसके ऊपर, तो उसे लगाएंगे। अब ये देखिए, उसको हम किस तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से मोहरी को रखेंगे और यहाँ पे इस तरीके से लेस को रखेंगे। जो हमारे लेस की डिजाइन है उन्हें अभी नीचे की तरफ रख रहे हैं हम, बॉटम की तरफ, और जो उसका प्लेन साइड है उसकी उसे हम रख रहे हैं ऊपर की साइड। यहाँ पे इस तरीके से रखी, यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ेंगे कपड़े में और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। लेस के बिल्कुल बीच से सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। बिल्कुल बीच से सिलाई लगानी है लेस के, और मार्जिन आप देख रहे हो बिल्कुल बराबर मार्जिन छोड़ के रखना है। तो
यहाँ पे सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब इसको फोल्ड कर लेना अंदर की तरफ। तो ये देखिए किस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से यहाँ पे अपनी मोहरी को रखेंगे हम। अब ये देखिए यहाँ से बड़े आसान तरीके से ये फोल्ड हो जाती है इस तरीके से, और ऊपर से अब लगा लेंगे सिलाई। तो सिलाई हमें बिल्कुल किनारे से लगानी है, यहाँ से जहाँ से हमने लेस को अटैच किया बिल्कुल उसके ऊपर ही लगानी है। और सिलाइयों को आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप मोहरी बनाओ कैसी भी डिजाइन की आप मोहरी बनाओ, सिलाई को फिनिशिंग के साथ लगाओ, तभी मोहरी का डिजाइन अच्छा लगता है। तो इस तरीके से सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हमारी मोहरी हो जाएगी बिल्कुल रेडी। अगर आपके पास प्लेन कपड़ा है, जैसे मेरे पास ये बनारसी वेव में कपड़ा है तो मैंने यही ले लिया है, अगर आपके पास प्लेन कपड़ा है तो आप उस पर नॉर्मल जैसे हम कांचे में डिजाइन बनाते हैं वो डिजाइन बना सकते हो, और आप प्लेन रखना चाहो तो प्लेन इस तरीके से रख सकते हो। तो यहाँ पे हमारी मोहरी हो गई है कंप्लीट। ये देखिए हमने दूसरी मोहरी को भी इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब लगाएंगे हम इसकी सिलाई मोहरी पर। सिलाई लगाने का सही तरीका मैं बताऊंगी आपको, जिससे कि हमारी जो पीछे की साइड झोल आ जाता है मोहरी के ऊपर सलवार में वो नहीं आएगा इस तरीके से लगाने से। तो पहले तो इसे बीच से मिलाते हुए इस तरीके से फोल्ड करके रखना है, और जो साइड वाली ये कटिंग है हमारी कली है जहाँ पे, यहाँ से भी बिल्कुल मिलाते हुए लेना है। तो इस तरीके से मिला के रखेंगे पहले, और अब यहाँ से निशान लगाएंगे जितना भी आपको मोहरी का साइज रखना। मुझे यहाँ पे मोहरी का साइज रखना है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पे निशान लगा दिया। अब एक निशान यहाँ लगाएंगे मोहरी के ऊपर जहाँ पे हमारी मोहरी खत्म होती है, तो यहाँ पर हम 1 इंच बढ़ा के लगाएंगे। नीचे 6.5 लगाया था, यहाँ पे 7.5 लगा लेंगे। इस तरीके से 1 इंच बढ़ाना है, यहाँ पे ज्यादा नहीं बढ़ाना, नहीं कम रखना है। और इस निशान को इस तरीके से तिरछा करके मिला लेंगे। अब इसकी लगा लेंगे सिलाई, तो सिलाई पे भी ध्यान दीजिएगा सिलाई हमें कैसे लगानी है। ये देखिए इस तरीके से सिलाई लगानी है। जब हम सिलाई लगाएं नीचे की तरफ से तो 2-3 बार आगे पीछे करके लगा लेनी है, जिससे कि हमारी सिलाई अच्छे से मजबूत हो जाए, जल्दी से पांचे की सिलाई निकलेगी नहीं। ये देखिए इस सिलाई को थोड़ा सा बैक लेंगे और फिर से सीधा लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी पांचे की सिलाई है जो अच्छे से मजबूत हो जाती है। अब यहाँ से हम मशीन को थोड़ा सा उठाएंगे और कपड़े को घुमाएंगे। तो इस तरीके से कपड़े को घुमा लेंगे, हल्का सा घुमाया मैंने देखिए इस तरीके से, और अब इस सिलाई को यहाँ से सीधा लगा लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप सिलाई लगाओगे अपने आसन वाली, तो आपकी सलवार की जो मोहरी के ऊपर झोल आता है वो कभी झोल नहीं आएगा, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ आपकी सलवार बन के रेडी होगी। और जहाँ पर हमारे आसन के जॉइंट होते हैं वहाँ पर भी हम 2-3 बार आगे पीछे करके सिलाई लगा लेंगे, और इस तरीके से दूसरी मोहरी तक सिलाई को ले जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से सिलाई को लेके आना है, और यहाँ पे भी ऊपर की तरफ 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और मोहरी की साइड से 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ पे भी इस निशान को इस तरीके से तिरछा मिलाते हुए अब इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे घुमाना मोहरी को, और ये सिलाई कम्प्लीट कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारी सलवार हो गई है बन के रेडी। अब इसको दिखाती हूँ आपको सीधा करके इसका फाइनल लुक। उससे पहले यहाँ पे जो साइडों से हमारी ये कपड़ा बचा हुआ है इसकी कटिंग कर लेंगे, इसे और फिनिशिंग दिखती है हमारी सलवार में मोहरी में। तो दोनों साइडों से पहले इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इधर से भी कट कर लेंगे। और अब ये देखिए आप इसका फाइनल लुक। तो आपको मोहरी डिजाइन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।